कनाडा में आप टूरिस्ट वीजा पे आ सकते हैं 2023 में, और अगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ $1500 का भी डिपॉजिट है ना, वो भी शो करके टूरिस्ट वीजा लग जाता है। अगर 2023 में आप कनाडा डे पे कनाडा आके सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉनी हंस और लेके हाजिर हूँ आज की ये स्पेशल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा इज वन ऑफ दी यू नो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर चाहे आपने मॉन्ट्रियल आना है, चाहे आपने टोरंटो आना है, वैंकूवर आना है, जहां पे भी आप आना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कम विद योर फैमिली। इम्पॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूँ व्लॉगर और कॉन्टेंट क्रिएटर, उसके साथ CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट टू हेल्प यू विद बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कनाडा। अब बात करते हैं कि टूरिस्ट वीजा की स्पेशलिटी क्या है। ऑब्वियसली पोस्ट पेंडेमिक स्पेशली कनाडा भी अपने आप को बहुत प्रमोट कर रहा है, हर सिटी अपने आप को प्रमोट कर रहा है ताकि टूरिस्ट पूरी दुनिया से कनाडा में आ सके। अब इन्होंने और फास्ट और बेटर प्रोसेस कनाडा इमिग्रेशन ने ये कर दिया है कि उन्होंने एक नया पोर्टल प्रिपेयर कर दिया जिसपे बहुत आसानी से फाइल लगती है और जो रिस्पांस है विद इन 1 to 2 months आपको आ जाता है और बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप पहली बार इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। चलिए बात करते हैं कि इसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर तो आपकी भैया गवर्नमेंट जॉब है तो फिर तो आपके बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको टूरिस्ट वीजा मिलने के। नंबर दो, चाहे गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है, आपकी जॉब स्टेबल है, 6 months से आपको रेगुलरली आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, आपके नाम पे घर है या फिर कोई बिजनेस है या फिर किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर पाए कि आप घूम के वापस अपनी होम कंट्री जाओगे। तो अगर आपके नाम पे कुछ अच्छे एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी है जो आप ये दिखाओ कि हाँ भी आप इस कंट्री में रुकोगे नहीं घूम के, ऑब्वियसली यू हैव रीजंस टू गो बैक टू योर होम कंट्री, तो आपके जो टूरिस्ट वीजा के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब आप ये सोचते होगे कि यार क्या मैं अपना कोई दोस्त भाई बहन रिश्तेदार जो कनाडा में है, चाहे दूर के चाचा जी हैं, उनसे यू नो इनविटेशन लेटर दे दूं। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है, मैं आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। वेल, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लगातार हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट लेके आते रहेंगे। बात करते हैं कि अगर यू नो इन्विटेशन लेटर की, इन्विटेशन लेटर हर केस में काम नहीं करता। मान लीजिए कि शादी है यहाँ पे आप अटेंड करने आ रहे हो, देन इट मेक्स सेंस यू टू गेट अ वेडिंग इन्विटेशन। बट यार अगर कोई दूर का रिश्तेदार है वो आपको बुला रहा है तो उससे क्या होगा, ऑफिसर ये सोचता है कि यार आपके कनाडा में टाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में टाइज है नहीं, तो आप तो वापस जाओगे नहीं, वो वीजा नहीं देगा। तो इसलिए अच्छा है कि अगर कोई दूर का रिश्तेदार भाई बहन दोस्त है उससे इनविटेशन लेटर मत दिखाओ, उसकी जगह ये दिखाओ कि भैया मैं यहाँ पे आके मेरी रिजर्वेशन है, मैं 7 दिन मॉन्ट्रियल में रहूंगा, 3 दिन टोरंटो में रहूंगा, 8 दिन वैंकूवर में रहूंगा, उसके बाद मैंने वापस जाना है, मेरी ये कमिटमेंट्स हैं मेरी होम कंट्री में, दिस इज द रीजन व्हाई आई विल गेट बैक टू माय होम कंट्री। अगर आप ये चीज अच्छी तरह प्रूव कर देते हो, देन देयर इज नो रीजन व्हाई वुड दे नॉट गिव यू अ टूरिस्ट वीजा। दूसरी चीज आपको ये दिखाना पड़ता है कि यार यू हैव इनफ ऑफ फंड्स आपकी यहाँ पे स्टे को लेके, आपकी फ्लाइट को लेके, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, एंड ऑल्सो यू हैव इनफ ऑफ फंड्स टू यू नो स्पेंड ऑन थिंग्स। ऑब्वियसली इफ इट्स अ टूरिज्म समथिंग जो कनाडा प्रमोट कर रहा है, देन ये भी जरूरी है कि आपके पास पैसे भी हो। ये थोड़ा ना पैसे दो रिश्तेदारों से पकड़ पकड़ के आपने खर्चने हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो ऑब्वियसली अगर टूरिस्ट वीजा पे आए तो इतने पैसे आपको दिखाने ही पड़ते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, या तो मैं कॉल बैक कर दूंगा, मतलब कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा सॉरी, या हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, नहीं तो यार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पूरी कम्युनिटी है, कोई ना कोई आपको आंसर जरूर दे देगा। बट फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने पहले टूरिस्ट वीजा लगाया और रिफ्यूज हो गए, तो आप हमारी टीम के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको ईमेल आ जाएगी apply@studybuddycanada.com। उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपने टाई स्ट्रॉन्ग शो करना। अगर आपकी होम कंट्री में आपके टाई स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऑब्वियसली ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट में, जो टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए, कि आप कैसे यू नो आपने अपनी होम कंट्री वापस क्यों जाओगे। उसके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट फीस होती है, ये सारी चीजें आपने अगर दिखा देते हैं तो आपका टूरिस्ट वीजा की फाइल कम्प्लीट
कंप्लीट हो जाती है। कौन से फॉर्म्स लगने हैं, कौन से लेटर्स लगने हैं, सीए की रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट कुछ एक लिस्ट है जो आप अगर फॉलो कर लेते हैं then you should not have a problem. हम फिर भी अपना लिंक जो टूरिस्ट वीजा का है वो आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेते हैं, आप उसको भी पढ़ लोगे, you will get enough of idea कि कैसे आप कनाडा में एज अ टूरिस्ट आ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टूरिज्म के लिए कनाडा आ रहे हो तो आप अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो अगर आपको काम मिल रहा है LMIA बेस, या फिर आप स्टडी परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप पाथवे प्रोग्राम लेके इवेंचुअली 2 साल का प्रोग्राम ले लेते हो। सो अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अगर कोई कॉमेंट क्वेश्चन क्वेरीज है फील फ्री टू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, और अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फोन नंबर्स भी हैं। हमारी टीम मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे और इंडिया से इस वक्त आपको सर्व कर रही है। आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिए हैं, हमारी ईमेल है इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए apply@studybuddycanada.com, वेबसाइट का लिंक एंड एवरीथिंग इज देयर, फील फ्री टू रीच अस। इसी के साथ मैं जॉनी हंट फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।